आइए आज हम यहाँ पर बनाएंगे मुंबई की सबसे फेमस एक चाट की डिश जिसे कहते हैं सेव पूरी। बहुत टेस्टी सेव पूरी बनकर तैयार होती है घर पर, बहुत आसानी से इसे हम बना सकते हैं। सेव पूरी बनाने के लिए मैं यहाँ पर मैंने जिन इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने ली है सेव पूरी। ये सेव पूरी की पूरियाँ होती है। इस तरह की पूरियाँ मार्केट में इजीली अवेलेबल है और घर पर भी बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। यहाँ पर मैंने ये ली है नायलॉन सेव, जो बारीक वाली सेव आती है वही है ये। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने ली है तीखी हरी चटनी। यहाँ पर मैंने ली है मीठी चटनी, खजूर और इमली की चाट वाली चटनी है। यह तीखी और मीठी चटनी किस तरह से बनाई जाती है इसका वीडियो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस तरह की चटनी हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने सेव पूरी के लिए लिया है टमाटर। ये टमाटर है जिसे मैंने बारीक अच्छे से चॉप कर लिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है प्याज, ये एक बड़ा प्याज है, इसे भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है चाट मसाला, ये मेरा होममेड चाट मसाला है। इस तरह का चाट मसाला घर पर ही किस तरह से बनाते हैं इसका वीडियो मैंने आपको पहले ही दिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है एक उबला हुआ आलू, और हमने लिया है हरा धनिया, और थोड़ी सी ली है गार्निशिंग के लिए चने की दाल, ये जो फ्राइड चने की दाल होती है वही है ये। तो इन्हीं सब चीजों की सहायता से हम यहाँ पर बनाएंगे सेव पूरी। हम बनाते हैं सेव पूरी। इसके लिए हम जो पूरियां हैं इसे अरेंज करेंगे एक प्लेट में। यहां पर हम सबसे पहले लेंगे हमारा आलू, कि इसको इस तरह से थोड़ा सा मैश करेंगे आलू को, और इस तरह से सेव पूरी पर रखते जाएंगे। अब यहां पर हम रखेंगे इस पर प्याज, ये जो बारीक प्याज कटे हुए हैं हमारे, थोड़े थोड़े हम सभी पूरियों पर इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर हम रखेंगे टमाटर। अब हम इस पर डालेंगे चाट मसाला। अब हम इसमें डालेंगे हमारी मीठी चटनी। अब हम इसमें डालेंगे तीखी चटनी। यहाँ पर हम इसमें डालेंगे सेव, जो हमारी नायलॉन सेव है उसे इस पर डालेंगे इस तरह से। थोड़ा सा चाट मसाला और स्प्रिंकल करेंगे। अब हम धनिया के पत्ते से इसे गार्निश करेंगे। अब हम यहाँ पर डालेंगे चने की दाल। ये लीजिए, यहाँ पर मैंने बना ली है सेव पूरी। बहुत जल्दी इस तरह से सेव पूरी मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली है। थोड़ी सी तैयारी लगती है फिर सेव पूरी इस तरह से बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। बहुत बढ़िया नाश्ता है ये। मुंबई की एक सुपर टेस्टी चाट है, इसे कहते हैं सेव पूरी। इस तरह से मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए इस तरह का बढ़िया सुपर टेस्टी मुंबई स्टाइल चाट अपने घर पर आसानी से बनाइए। Thank you.